हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए नवरात्रि स्पेशल फलहारी रेसिपी लेकर आए हैं। ये एक स्वीट डिश की रेसिपी है। इसे आप चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं और अभी वैसे भी दिवाली आने वाली है तो आप इसे दिवाली पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। ये घर का पनीर है, आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस पनीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे स्पून से थोड़ा मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें 6 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। और हमें हाथों से इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम चीनी और पनीर को रब करेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हमारा जो पनीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा। एट दी एंड आपको ये लगेगा कि ये पनीर नहीं, ये कुछ और ही है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। तो देखिए, अभी ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और देखिए, आपको जो टेक्सचर चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तभी जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगी। और अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 कप लौकी, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 1/4 कप चॉप्ड नट्स, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ में 1 टेबलस्पून घी। और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसका फाइनल टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। और अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रे को ऑलरेडी बटर लगा के ग्रीस कर लिया है और पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। और अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही हेल्दी है। अगर आप चीनी नहीं यूज़ करना चाहें तो आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, जैसे हमने चीनी को अच्छे से रब करके मिक्स किया, वैसे ही आपको गुड़ को ऐसे मिक्स करना है कि गुड़ पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए। और अब हम स्पैचुला की मदद से इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे 1/2 ट्रे पर सेट किया है। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। ये देखिए, इतनी थिकनेस हमें इसकी रखनी है। और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30-40 मिनट्स के लिए, या फिर तब तक जब तक कि इसका जो टॉप पार्ट है वो ब्राउन नहीं हो जाता। तो देखिए, टोटल मुझे 40 मिनट्स लगे और ये कितना अच्छा बेक हुआ है। इसका जो अपर पार्ट है ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे 1 घंटा अच्छे से रेस्ट करने दिया और ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसे नीचे से काट रही हूँ ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो इवनली आए। और अब मैं इसे वर्टिकल काट रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप काट सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी की शेप काटना चाहें तो आप बर्फ़ी की शेप भी काट सकते हैं। तो मैं इसे स्टिक की शेप में काट रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ सारे पीसेस काट लिए हैं और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी होती है, क्योंकि जो इसमें लौकी का फ्लेवर, मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और इटसेल्फ पनीर का फ्लेवर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो ऊपर का आप क्रस्ट देख रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो इस नवरात्रि आप भी इस रेसिपी को अपने मेन्यू में ज़रूर डाल लीजिएगा। इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।